निश्तर में कमाहा गांव में ये एक ब्लाइंड मर्डर हुआ, कॉल जो थी वो एक ब्लाइंड मर्डर की थी। तो उसने दरवाज़ा खोला और जब हमने देखा कि उस खातून को गले को छुरी मार के कत्ल कर दिया है, कैमराज देखे, वैसे तो ये आपको पता है ऐसे गांव वाले इलाके में कैमराज नहीं होते, तो हमारे लिए केस और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे टाइम पर। फिर फॉरेंसिक टीम जो है वहाँ से अपने सैम्पल्स कलेक्ट करती है और PFS से भिजवाती है, देन फिंगरप्रिंट्स, स्लिपिंग और वो सारा प्रोसेस जो हमारा एक तरीका है जियो फेंसिंग कराने का, जो बेसिकली वजह निकला इसके कत्ल की और वो इसमें इससे शादी करने में इंटरेस्टेड था और ये खातून से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उसको गले पे छुरी मार के मार दिया। लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, एक के बाद एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन लीड्स टू अनदर क्वेश्चन, और वो उसका जवाब जब देते देते खुद ही फंस जाता है, और जब वो फंसता तो इसका जो जुर्म है वहीं से पकड़ा जाता है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। थाना निश्तर में एक बड़ा इंसानिक सोच वाकया पेश आया कि एक शख्स ने अपनी साली को बेरहमी से बदतमीजी से कत्ल कर दिया। सारे वाकये की तहकीक कैसे की, मुजरिम को कैसे पकड़ा, ये सारी कहानी हम इससे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक फाइन, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर अनूश मुझे बताइएगा कि ये असल कहानी क्या थी, वाकया क्या था? निश्तर में कमाहा गांव में ये एक ब्लाइंड मर्डर हुआ, कॉल जो थी वो एक ब्लाइंड मर्डर की थी और हमें कोई क्लू नहीं था कि कौन है ये पहले खातून, उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई और फिर उसके बाद ताला बंद किया हुआ था बाहर से लगा के, तो उसने दरवाज़ा खोला और जब हमने देखा कि उस खातून को गले पे छुरी मार के कत्ल कर दिया है। अब एक हमारे लिए एक ब्लाइंड मर्डर था, अब उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। जो जो खातून है उसका बेटा जो मुदई बना हुआ है वो बताता है कि क्या सूरत हाल थी, क्या ऐसे मुहरकात हो सकते हैं। सो व्हाट पुलिस डज इज लाइक अप्लाई इट्स माइंड कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उसे कत्ल की वजह बनने की, उसका सेलफोन रिकॉर्ड की एक्टिविटीज़, उसका किससे मिलना जुलना था, उससे क्लू लेते लेते कैमराज देखे, वैसे तो ये आपको पता है ऐसे गांव वाले इलाके में कैमराज नहीं होते, तो हमारे लिए केस और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे टाइम पर। फिर फॉरेंसिक टीम जो है वहाँ से अपने सैम्पल्स कलेक्ट करती है और PFS से भिजवाती है, देन फिंगरप्रिंट्स, स्लिपिंग और वो सारा प्रोसेस जो हमारा एक तरीका है जियो फेंसिंग कराने का, उस तरह से हमें क्लूज मिलते हैं कि यहाँ पे कौन किसका आना जाना रहता था और कैसे हुआ, किससे मुलाकात की, और एक शक की बुनियाद पे हम उस इंसान तक पहुँचते हैं जो बेसिकली वजह निकला इसके कत्ल की और वो इसमें इससे शादी करने में इंटरेस्टेड था और ये खातून उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उसको गले पे छुरी मार के मार दिया। और जब बेटा फैक्ट्री से रात को शाम में तकरीबन 4:30 बजे के करीब घर आया और उसने घर का दरवाज़ा तोड़ के खोला तो ये उसने अपनी माँ को देखा कि घर गले पे छुरी मार के उसको कोई मार दिया है। तो बेसिकली ये एक केस इस तरह से ब्लाइंड मर्डर था, मर्डर जो ट्रेस हुआ और अल्टीमेटली पता चला कि बट जो उसके पीछे क्या कॉज निकला, वो आदमी जिससे शादी करने में इंटरेस्टेड था उसी ने उसको मार दिया। तो मुजरिम ने सारी चीज़ को मान लिया, बिल्कुल वो एक्सेप्ट कर रहा है। और देखिए जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, पुलिस इज़ वेरी टेक्निकल नाउ, यू जस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चंस, जब आप 4 सवाल पूछते हैं देन उसको भी पता लग जाता है कि देन अब मेरे से झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है, उसको झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं ना, एक के बाद एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन लीड्स टू अनदर क्वेश्चन, और वो उसका जवाब जब देते देते खुद ही फंस जाता है, और जब वो फंसता है तो उसका जो जुर्म है वहीं से पकड़ा जाता है। मुजरिम को क्या सजा मिलेगी, कौन सी? देखिए 302 है ये और उसके मुताबिक केस फाइल तैयार करेंगे हम, जितने एविडेंसेस हैं, जितने बयानात हैं, जितने गवाहों के बयानात हैं वो सब लगाए जाएंगे। All the technical evidence would be attached with the case file and would be presented in the court, और जो उस पर फिर जज की भी होती है इख्तियार के वो कितनी सज़ा सुनाता है, तो उसकी रोशनी में 302 की जो एक सज़ा बनती होगी वो इंशाल्लाह हम दिलाएंगे कानून के मुताबिक। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया।